अभिनेता राजीव कपूर का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे राजीव कपूर। अभिनेता राजीव कपूर का हुआ निधन। और हमारे साथ फिल्म अभिनेता रजा मुराद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा मुराद जी, बेहद दुखद खबर, एक राजीव कपूर जी का निधन हो गया, एक और ये दुखद खबर हमारे बीच। किस तरह से आप इसको अपने शब्दों में बता पाएंगे, क्योंकि दुख की खबर है। देखिए, राजीव कपूर से मेरा ताल्लुक पिछले 40 साल से है जी। 1980 में मैंने एक फिल्म की थी गुनाहगार जी जी, उसमें ये राहुल रवेल के असिस्टेंट थे जी। शक्ल सूरत से तो राज कपूर साहब के परिवार के लगते थे, लेकिन स्वभाव बिल्कुल उनका साधारण था जी। बहुत आदर करते थे, तमाम वर्कर से घुल मिलकर रहते थे जी। तो कभी उनके स्वभाव से पता नहीं चला कि वो राज कपूर जैसे महान अभिनेता निर्देशक के बेटे हैं। और मेरा तो उनसे बहुत साथ रहा है, फिर गुनाहगार में थे वो, फिर जब हमने प्रेम रोग में काम करना शुरू किया तो राज साहब के वहां ये बतौर असिस्टेंट काम करते थे जी जी। ट्रॉली चलाते थे, कपड़े से फर्श को साफ करते थे और सारे वर्कर्स के साथ रहते थे। इन्हें वहां कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था कि ये राज कपूर के बेटे हैं, जैसे आम वर्कर्स रहते थे, उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ खाते भी। तो ऐसी उन्हें शुरू से ही शिक्षा मिली थी, एक साधारण व्यक्ति की तरह अपना जीवन बिताने की, गुजारने की, काम करने जी। बिल्कुल रजा मुराद जी, उनको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि राज कपूर परिवार से भी आपके बहुत नजदीकी संबंध रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर है दुख की खबर है। तो कोई ऐसा वाक्या जो आपने उनके साथ फिल्मों में किया हो और वो आज यादगार बनकर आपके सामने, आंखों के सामने आ रहा है? जी हाँ, यादगार बात यह है कि राम तेरी गंगा मैली में आखिर में वो मेरी पिटाई करते हैं जी जी जी। और हमारे बड़े अच्छे, हमारा बहुत आदर करते थे जी। अब जब वो पिटाई करते थे और मैं पिटता था तो हर शॉट के बाद मुझसे माफी मांगते थे, रजा साहब आई एम सो सॉरी, आपको लग रही है, लगी तो नहीं आपको, मैं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे करना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत ही ज्यादा आदर करते थे बहुत। और सबसे अच्छी बात ये थी जी, इतना सादा उनका स्वभाव था, वो अपने वर्कर्स के साथ भी बिल्कुल बराबरी से रहते थे। कभी मैंने किसी वर्कर को उन्हें डांटते हुए नहीं देखा या ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा, कभी मैंने उनको आज तक गुस्से में भी नहीं देखा। उसके बाद राम तेरी गंगा मैली, प्रेम रोग, गुनाहगार और फिर हिना में वो प्रोडक्शन संभाल रहे थे, तो हर चीज का बहुत ख्याल रखते थे। और हम लोग सिर्फ एक हमारा उनका रिश्ता एक कलाकार या एक निर्माता का नहीं था, बल्कि बिल्कुल हम लोग एक परिवार जैसे थे जी। 24 घंटे हम लोग साथ रहते थे शूटिंग के वक्त, नाश्ता साथ करना, खाना साथ खाना, शाम की चाय साथ पीना, डिनर साथ करना, तो बिल्कुल हम लोग 24 घंटे का हमारा साथ रहता था हर शूटिंग में। अब देखिए क्या होता है कि कई बार इंसान की तकदीर उसका साथ नहीं देती है। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ कि राम तेरी गंगा मैली के अलावा कोई फिल्म चली नहीं। इनसे बहुत से कम टैलेंटेड एक्टर अच्छी तकदीर की वजह से बहुत आगे निकल गए जी, जी। तकदीर ने इनका साथ नहीं दिया जी। और फिल्में इनकी बाद में चली नहीं, फिल्म इन्होंने बनाई, बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी जी, लेकिन वो भी दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष फिल्म चली नहीं। एक सीरियल इन्होंने बनाया था DD2 के लिए जी, वो भी नहीं चला। और पारिवारिक जीवन जो था उनका, तो देखिए क्या होता है कि इंसान एक फ्रंट पे लड़ सकता है जी जी। अब अगर इतनी इंसान की जिंदगी में यातनाएं आ जाएं,
इतनी मुश्किलें आ जाएं तो हर फ्रंट पे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक बात मैंने उनमें देखी थी कि अकेलापन तो उनकी जिंदगी में आ गया था, लेकिन कभी मैंने उनमें कड़वाहट नहीं देखी। अक्सर ऐसे ऐसे दौर से इंसान जब गुजरता है तो कड़वाहट उसमें आती है, कभी इनमें कड़वाहट महसूस नहीं की। देखिए, जाना तो सबको है, कई बार इंसान का साथ तकदीर नहीं देती है जी। तो इनका साथ तकदीर ने नहीं दिया। अब 58 साल की उम्र जो है वो जाने की तो नहीं है जी। जी जी बिल्कुल। अब वो ऊपर वाला जितनी सांसें लिखता है, आदमी जीता है, लेकिन बहुत ही अच्छे स्वभाव का, बहुत ही एक अच्छा इंसान, बहुत ही इज्जत करने वाला जी, बहुत ही आदर करने वाला जी, वो चला गया। बस ये कमी हमें जरूर मिली। बिल्कुल, बहुत दुखद है महज 58 साल की उम्र में यूं चले जाना, कहीं ना कहीं एक दिल को झकझोरता है, मन में एक व्यथा पैदा कर देता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रजा मुराद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि अभिनेता राजीव कपूर जी का निधन हो गया है। राज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे, हृदय गति रुकने से 58 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। तमाम फिल्मों में उन्होंने काम किया, गुनहगार, प्रेम रोग, राम फेरी गंगा मैली हो गई, तमाम मशहूर फिल्मों में उन्होंने काम किया। रजा मुराद जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया बेहद अच्छे स्वभाव के थे, किसी को छोटा बड़ा उन्होंने कभी नहीं समझा, अपने किसी कर्मचारी को, अपने किसी साथी को कभी डांटा तक नहीं, हमेशा उन्हें समझाया, उन्हें मोटिवेट किया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। राज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे राजीव कपूर। हालांकि उन्होंने कई सीरियल्स भी बनाए, फिल्में भी बनाई, लेकिन बहुत ज़्यादा वो चल नहीं पाई। हालांकि अगर एक्सपर्ट्स की राय जाने तो उनकी फिल्म और उनका बनाया गया सीरियल बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो लोगों